हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा जनरेटर के वर्किंग के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरेटर उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं उसकी बेसिक जानकारी कि हमारा जनरेटर क्या है। फ्रेंड्स, जनरेटर हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यह फ्रेंड्स फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। और यह दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। लेकिन फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकल लाइफ में एसी जनरेटर का यूज करते हैं, तो हम एसी की ही बात करेंगे। तो और ये फ्रेंड्स, ये हमारा सिंबल है इलेक्ट्रिक जनरेटर सिंबल, जो आप ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए हम इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए हम एसी जनरेटर के वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो एसी जनरेटर का फ्रेंड्स वर्किंग जो होता है, वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फ्रेंड्स एसी जनरेटर के वर्किंग लगभग डीसी जनरेटर के समान ही होता है, लगभग सेम होता है। देखिए इसमें फ्रेंड क्या हुआ है कि एक हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्रेंड्स ये हमारा ए बी सी डी एक कंडक्टर कॉयल स्थापित किया गया है। ये फ्रेंड्स ये ए बी सी डी कंडक्टर कॉयल, इस कंडक्टर कॉयल के जो फ्लक्स होगा फ्रेंड्स, फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स, वो एन से एस की ओर होगा। ये होगा फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा एन से और एस की ओर इसका डायरेक्शन होगा। ये फ्रेंड्स ये हमारा कंडक्टर कॉयल दो स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे दो स्लिप रिंग से लगे हुए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे दो स्लिप रिंग से होता है। और जो लोड होता है फ्रेंड्स, ये हमारा लोड लगा हुआ है, ये लोड कार्बन ब्रश के थ्रू, ये हमारे छोटे दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ये लोड फ्रेंड्स क्या होता है, कार्बन ब्रश के थ्रू स्लिप रिंग पे कनेक्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये वर्किंग के बारे में क्या है फ्रेंड्स, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कंडक्टर कॉइल, जिसको हम रोटर भी कहते हैं, किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है। प्राइम मूवर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम इंजन गैस टरबाइन के प्राइम मूवर के रूप में यूज कर सकते हैं, इंजन ही हमारा रोटर को घुमाता है, या गैस टरबाइन भी आप यूज कर सकते हैं प्राइम मूवर के रूप में। तो फ्रेंड्स जब ये हमारा प्राइम मूवर की सहायता से ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। और ये ईएमएफ फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारा फ्लक्स के लिंकेज के बराबर होता है। जो इंड्यूस ईएमएफ है फ्रेंड्स, वही हमारा क्या होता है, इस ये मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस ईएमएफ ही इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोड्यूस करता है। और इस इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से ये ए बी सी डी की तरफ होगा फ्रेंड्स। ये देखिए ए बी सी डी, ये हमारा ए बी सी डी की तरफ से ऐसे होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका डायरेक्शन होगा, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह होगा, ए बी सी डी की तरफ से। ये फ्रेंड्स ये हमारा ए से बी, और बी से ये सी, और ए सी से ये डी, और इस तरफ फ्रेंड्स होगा ये डी से एक तरफ, इस तरह ये हमारा डायरेक्ट ए बी सी डी की ओर में होगा फ्रेंड्स। ये हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से ये जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा मैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में जानते हैं, देखते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में। ये फ्रेंड्स के ये हमारा जो अंगूठा है क्या होता है, ये मोशन को दिखाता है, या फोर्स को एफ से इसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये अंगूठा मोशन को दिखाता है, और ये हमारा जो सामने का फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बी को दिखाता है, और ये हमारा जो सेकेंड फिंगर होता है जो वो करेंट को प्रदर्शित करता है। तो ये फ्रेंड्स ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के हिसाब से हम वो मूविंग कंडक्टर के कॉइल के जो इंड्यूस करंट है वो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा करंट किस दिशा में ये फ्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जब ये हमारा कंडक्टर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो कुछ समय बाद, कुछ हाफ ऑफ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, ये कंडक्टर कॉइल क्या होता है फ्रेंड्स, मूव करते करते ये अपना धीरे धीरे मूव करता है, ये क्लॉक वाइज में मूव करता है फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि ये सी डी जो है, ये हमारा ये सी डी, देखिए ये हमारा सी डी कंडक्टर कॉइल, सी डी का पॉइंट क्या होता है, एन पोल की तरफ होता है, और
हाफ ऑफ टाइम पीरियड के बाद। और जो ए बी होता है फ्रेंड, ए बी हमारा क्या होता है, एस पोल की तरफ होता है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है फ्रेंड, जो इंड्यूस करंट की दिशा है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से, राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या होता है, ये देखिए राइट हैंड रूल के हिसाब से फ्लेमिंग के ये डी सी बी ए की तरफ होता है फ्रेंड। किस तरफ होता है ये देखिए, डी सी बी ए ये इस ऐसे, सॉरी फ्रेंड्स ऐसे होता है, ये देखिए ये हमारा इस ऐसे डी से बी और सी से ये, सी से बी और बी से ए और ए से डी, ये ऐसे दिशा में होता है फ्रेंड्स, ये इंड्यूस करंट की दिशा में। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये पूरा साइकिल पूरा हो गया। और इसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, जब साइकिल पूरा हो जाता है तो क्या होता है, तो हमें लास्ट में क्या होता है, साइनसोइडल में एसी करंट हमें प्राप्त होता है, साइनसोइडल रूप में हमारा एसी करंट प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जनरेटर वर्क करता है जो, और लास्ट में हमें वो एसी प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।